हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम क्लास में करने जा रहे हैं। क्लास 8 का मैथ्स का मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट्सएप पे। आप लोग वो क्वेश्चन बनाए हो और बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी। जैसे पहला सॉल्यूशन हम सौम्या का करने जा रहे हैं। सौम्या पूछिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड प्रूफ करना है। इसमें क्या करना है? प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 16807। प्रूफ करना है कि ये जो है वो 16807 के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग जब भी वो रास पढ़े हैं तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को खत्म करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट को खत्म करते हैं। तो ऐसा कुछ करना होगा कि स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाए, है ना। अब ध्यान दो, ये स्मॉल ब्रैकेट में जो भी नंबर है उसके बाहर जो पावर है 1/4 है, इसमें भी पावर जो है 1/4 है। तो ऐसा कुछ करो कि जो ब्रैकेट के अंदर में है उस पर पावर 4 हो जाए, ताकि वो 4 और 1/4 कट के 1 हो जाए। तो ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं 7 अर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में 3 का पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 4, 81 के बदले में हमने लिख दिया 3 का पावर 4 और इसका पावर क्या है 1/4, क्लियर। प्लस 256 किसका होगा, 256 4 4 4 16 16 4 64 64 4 256, मतलब 4 का पावर 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 256 के बदले में 4 का पावर 4 का पावर 1/4, इसके बदले में 4 का पावर 4 और यहाँ पर 1/4, कर्ली ब्रैकेट ऑन मतलब ऑफ और 1/4 होल का पावर, कर्ली ब्रैकेट का पावर और उसके बाद 4, क्लियर। हम लोग सिर्फ एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस इज इक्वल टू इसको। अब ध्यान दो, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब होता है पावर तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 कट जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 4 कट जाएगा। तो अब देखो क्या बचा, 7 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो 3 ब्रैकेट खत्म स्मॉल वाला, प्लस 4 3 कर्ली ब्रैकेट, फिर से कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का पावर हो जाएगा 1/4, क्लियर है, 1/4 का पावर 4, क्लियर। अब देखो 3 प्लस 4, ठीक है, 1/4 का पावर 4, ठीक। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे। अब ध्यान दो, 7 ये दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 7 का पावर 1/4, इसका पावर 4। अब देखो बाहर में भी 7 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में भी 7 है। जब बेस सेम होता है, यहाँ पे 7 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, जब बेस सेम है आप बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है पावर क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 प्लस 1/4 का पावर 4। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर 1/4, ठीक है। तो देखो 7 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 का पावर 1/4, तो 1 प्लस 1/4 बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई और पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे। और ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 का पावर 5/4 का पावर 4, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ये 4 और ये 4 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 का पावर 5 आंसर आ जाएगा। 7 का 5 पावर 5 निकालो, 7 का पावर 5 निकालोगे तो यही आएगा 16807, निकाल कर देखते हैं, क्लियर है। तो हो गया तुम्हारा प्रूफ, फिर से एक बार देख लो इसको,
नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट पे काम करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में 81 का पावर 1/4 है, अब 1/4 है तो इसका मतलब 4 का अगर 81 का वो ऐसे तोड़ दे कि 4 का पावर आ जाए तो 1/4 और 4 कट जाएगा, तो 81 किसका पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 4 3 3 9 9 3 27 27 3 81 तो 3 का पावर 4 का पावर 1/4 4 4 कट गया। उसी तरह से 256 का पावर 1/4 है तो किसका पावर 256 होगा, किसका पावर 4 तो 4 का पावर 4 इज इक्वल टू 256 तो ये भी लिख लिया। अब ये 4 और ये 4 कट गया, इधर ये 4 कट गया तो बचा क्या 3 + 4 बचा तो उसको जोड़ दे तो 7 और 7 का पावर क्या हो जाएगा 1/4, इधर कुछ नहीं है तो 7 का पावर 1 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 7 का पावर 1 × 7 का पावर 1/4 जब बेस सेम हुआ मल्टीप्लाई होता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 1 + 1/4 हो जाएगा जिससे वहाँ 7 का पावर 5/4 आ जाएगा। अब 7 का पावर 5/4 ब्रैकेट के बाहर पावर 4 तो 1/4 कट जाएगा क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर पावर होता है जो ब्रैकेट के बाहर पावर होता है दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो 5/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट जाएगा तो बचेगा 7 का पावर 5 और 7 का पावर 5 तो 1 6 8 0 7। क्लियर है सौम्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश 1 का, है ना। कुछ लोग होमवर्क नहीं अभी डाले हो नहीं बनाकर, जैसे आकाश 2 हो गया होमवर्क वहाँ नहीं आया, उसके बाद तुम्हारा ऋतिक हो गया ऋतिक का भी होमवर्क नहीं आया, रौनक का होमवर्क नहीं आया, ठीक है तो ये 3 जनों का होमवर्क नहीं आया तो होमवर्क करो, ये नहीं कोरोना वायरस के कारण बाहर नहीं निकल सकते लेकिन घर में पढ़ सकते हो तो होमवर्क करो, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आकाश पूछा, आकाश 1 क्वेश्चन नंबर 12 में है सिंपलीफाई द प्रोडक्ट, क्या क्वेश्चन सिंपलीफाई बोल रहा है सिंपलीफाई द प्रोडक्ट, सिंपलीफाई द प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट अंडर रूट 2 सॉरी क्यूब रूट 2 पॉइंट 4 रूट 2 पॉइंट 12 रूट 32। ये प्रोडक्ट है इसको सिंप्लीफाई करना है इसको सॉल्व करना है ना। अदर कैसे करेंगे हम बताए थे कि अगर क्यूब रूट है तो पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना, इसको कैसे लिख सकते हो 2 का पावर 1/3 हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 रूट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 1/4, यहाँ पे 12 रूट है तो यहाँ पे हो जाएगा 32 का पावर 1/12। क्लियर है? अब ध्यान दो यहाँ पे दोनों बेस 2 2 है लेकिन यहाँ पे बेस क्या हो गया 32 अलग बेस हो गया तो ऐसा कुछ कर सकते हैं तीनों बेस एक हो जाए। अब देखो 32 को फैक्टराइज करो तो 32 को फैक्टराइज करो तो 2 उसको 16 बार में फिर 2 से 8 बार में फिर 2 से 4 बार में फिर 2 से 2 बार में कितना 2 आया 1 2 3 4 5 जिसके मतलब इस पर 2 का पावर 5 होगा ना, जिसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 32 के बदले में 2 का पावर 5 तो 2 का पावर 5 का पावर पहले से क्या दिया हुआ है 1/12 होगा। अब इसको सॉल्व करो 2 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/12 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/12 5 1 जब 5 है नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 से कुछ नहीं है 1 है तो 12 ही आ जाएगा तो 2 का पावर 5 बाई 12। अब देखो तीनों का बेस सेम हो गया, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे पावर को जोड़ेंगे, है ना, हम लोग पावर को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो देखो 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब
3, 4 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा, तो एलसीएम 12 आएगा, तो इसको जोड़ने से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12 आया, 3, 4 जा 12, यहाँ पे 4 हो गया, 4, 3 जा 12, तो 3 हो गया, और 12 पहले से है, तो 1 आएगा, तो 1 ऊपर मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 7 प्लस 5, 12 बाई 12, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, आंसर क्लियर है, आंसर कितना आया इसका, 2 आया, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आया, हाँ, सॉरी थोड़ा कैमरा ही लिया, ठीक आ रहा है, तो समझ में आ गया, ये रब कर दे, चलो जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हो, है ना, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम फिर से नहीं बता रहे, हम फिर से बता सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया थी वो क्वेश्चन, कुछ करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का 3 आकाश कौन का ही है, और यही क्वेश्चन सुशांत ने पूछा है, और यही क्वेश्चन ऋषि भी पूछा है, यही क्वेश्चन ऋषि भी पूछो, है ना, व्हाट्सएप पर हम इसका सॉल्यूशन तुमको बताए थे, लेकिन मैं भी फिर से यहाँ पर बता दें 13 का 3, देखो 13 का 3 में क्या है, 13 का 3 बोल रहा है सिंप्लीफाई, क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, किसको करना है, 13 का 3 में थर्ड में जो क्वेश्चन है वो है 15 का पावर 1/4 डिवाइड बाय 3 का पावर 1/2 एंड होल का पावर -2, ये क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई कर रहा है, देखो कैसे करेंगे सिंपल, हम बोले हैं कि जब पावर में -2 होता है तो रेसिप्रोकल कर दोगे उसका तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, अब देखो इसका पावर -2 है, जब भी पावर माइनस में होता है तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, उसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर पावर क्या होता है, माइनस होता प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस में है तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 3 का पावर 1/2 डिवाइड बाय 15 का पावर 1/4 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, इसको उल्टा कर दिए तो, ठीक है, अब ध्यान दो, अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो देखो तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/2 का पावर 2 डिवाइड बाय 15 का पावर 1/4 का पावर 2, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 बन जाए 2 जब 4 तो क्या आ गया 3 बाय 15 का पावर 1/2, क्लियर है, 3 बाय 15 का पावर 1/2 हो गया आंसर, क्लियर है ऋषि, आकाश और कौन पूछा था, ऋषि आकाश और सुशांत, ठीक है, 13 का 3 क्लियर, सही चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13 का ही है, सुशांत पूछा है 13 का 1/2 भी, आदित्य पूछा है 13 का 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का 1/2 भी देखना है, ठीक है, सुशांत पूछा है 1/2, आदित्य पूछा है 2, है ना, सो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है 15 का पावर 1/3 डिवाइड बाय 9 का पावर 1/4 होल टू द पावर -6, क्लियर, यह फिर से माइनस है, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा 9 का पावर 1/4
बाई 15 का पावर 1 बाई 3 का होल का पावर क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 1/4, 9 होता है ना 3 का पावर 2, 3 3 9, तो 3 का पावर 2 का पावर 1/4 बाय 15 का पावर 1/3 होल का पावर 6। ये 2 और ये 4 कट जाएगा दो बार में, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2 डिवाइड बाय 15 का पावर 1/3 होल का पावर 1 क्या हो जाएगा 6। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 3 का पावर 1/2 का पावर 6 आया हो जाएगा 15 का पावर 1/3 का पावर 6। ये 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, ये 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 3, ये 2 और यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 15 का पावर 2, तो इसका 3 का पावर 3 क्या होता है 27, अब 15 का पावर 2 क्या होता है 225, तो 27/225 तुम्हारा आंसर। अब यहाँ कटेगा, काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो 3 9 जा और ये 75 और कटेगा, हाँ 3 3 जा और ये 25, तो 3/25 आंसर क्या आ जाएगा 3/25 आंसर 13 का 1। क्लियर है, समझ में आ गया 3/25 आंसर। अगर आज से बाद देखोगे तो यही पे आंसर दे दिया 297/225, लेकिन इसको काटना है ना, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आए हमको बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था 13 का 1, 13 का 2 भी है, 13 का 2 सुशांत और आदित्य, थर्टीन का टू में देखो, थर्टीन का टू बोल रहा है 12 का पावर 1/5 का पावर 5/2, ओके सो देखो 12 का पावर 1/5 डिवाइड बाय 27 का पावर 1/5 होल का पावर 5/2, इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, इसको भी वही, इसमें तो कोई माइनस माइनस नहीं, कुछ ऊपर नीचे करने की जरूरत है नहीं, सीधे अलग अलग कर दो दोनों को, 12 का पावर 1/5 का पावर 5/2 डिवाइड बाय, क्योंकि ये होल का है ना, तो ऊपर नीचे दोनों का पावर है, तो दोनों पे लेंगे, आई हो जाएगा 27 का पावर 1/5 का पावर 5/2, ये 5/5 कट जाएगा, ये 5/5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का पावर 1/2 और यहाँ पे आएगा 27 का पावर 1/2, क्लियर है, 12 का पावर 1/2 और 27 का पावर 1/2। अब देखो दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, डिवाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/27 का पावर 1/2, दोनों का पावर सेम है, तो अब देखो ये 3 से कट जाएगा 4 बार में और ये 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो हो जाएगा 4/9 का पावर 1/2, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 = 4 डिवाइड बाय 3 का पावर 2 = 9 और ये दोनों का पावर 1/2, क्लियर, तो इस दोनों का पावर में 2 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2/3 का पावर 2/3 का पावर 2 होल का पावर 1/2, ये 2 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2/3 आंसर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, नेक्स्ट है आकाश का, आकाश 1 का 14 है, ऋषि का हो गया, सुशांत का
भी 14 है, फिर उसके बाद आदित्य का 14 का 3, 4, 5, सौम्या का कंप्लीट हो चुका है। चलो तो सिर्फ 14 ही बचा है, सबका 14 में ही प्रॉब्लम। चलो देखते हैं उसको। फोर्टीन का 3, 4, 5 बता देते हैं, ठीक है। बाकी लोग सिर्फ 14 लिख के दे दिया। चलो देखो, 14 का थर्ड बोल रहा है, 14 का थर्ड नंबर 3/4 का पावर 3, 4/3 का पावर -7 इज इक्वल टू 3/4 का पावर 2x। बोल रहा है इसमें x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दो, x का वैल्यू निकालना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि इक्वल टू के बाद और इक्वल टू के पहले दोनों का बेस सेम कर दो तो पावर को बराबर कर सकते हैं। पावर को हम तभी बराबर करेंगे जब दोनों का बेस क्या होगा, इक्वल के बाद और इक्वल टू के पहले दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस अलग होगा तो हम लोग पावर को बराबर नहीं कर सकते। तो पावर को बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पर 3/4 का पावर 3, यहां देखो तो 4/3 है ना, लेकिन हमको बेस क्या करना है 3/4, क्योंकि इधर भी 3/4 है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका पावर का साइन उल्टा हो जाएगा ना। हम क्या बोले थे, जब बेस को रेसिप्रोकल कर दोगे तो उसका पावर का साइन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे 4/3 है, इसको 3/4 कर देंगे तो इसका पावर क्या है, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा ना। तो इक्वल टू 3/4 का पावर 2x। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है और दोनों बेस है और बीच में बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/4 का पावर 3+7 इज इक्वल टू 3/4 का पावर 2x। तो हो जाएगा 3/4 का पावर 10 इज इक्वल टू 3/4 का पावर 2x। अब देखो दोनों बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब बेस सेम हो गया तो पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, पावर को बराबर कर सकते हैं। जब इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद दोनों का बेस सेम हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को बराबर कर सकते हैं। तो यहां पे सीधे लिखेंगे इक्वेटिंग दी पावर, वी गेट इक्वेटिंग दी पावर वी गेट 2x इज इक्वल टू 10। अगर 2x है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 कट के हो जाएगा 5। तो x मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, क्लियर है। चलो ठीक है, इसको बना लिए। नेक्स्ट 14 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4। 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ठीक है। देखो जिसको उतारना है पॉज करके उतार लेना, है ना। फोर्टीन का 4 ध्यान दो, 5 का पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2x-8 इज इक्वल टू 225, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, 225। अब ध्यान दो, इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें अलग अलग बीच में मल्टीप्लाई है और अलग अलग बेस है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड में भी बीच में मल्टीप्लाई हो जाए और जो बेस इधर है वही बेस उधर भी हो जाए। तो मतलब यहाँ पे हमको 225 को 5 और 3 के पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो 225 को 5, 3 के पावर कन्वर्ट करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 से कटेगा क्या, 3 से हो जाएगा 75 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 से हो जाएगा कितने बार में, 25 बार में,
फिर हो जाएगा 5 से 5 बार रूट, क्लियर है? फिर 5 से 5 बार रूट हो जाएगा, तो क्या 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 2, तो यहां पे हो जाएगा 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 2, क्लियर है? 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 2। अब ध्यान दो, अब यहां पे देखो 5 का पावर क्या है, यहां पे 5 का पावर x माइनस 3 है, यहां पे 5 का पावर क्या है 2, दोनों का बेस जो जो है उसका पावर इक्वल टू के, इधर भी सेम होना चाहिए इक्वल टू के, उधर भी चलता है, इक्वेटिंग दी पावर्स, इक्वेटिंग दी पावर्स वी हैव एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और इस 3 का भी पावर सेम ही होगा एंड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, दोनों में सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा। देखो तो ये माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2x है, ये माइनस 8 हो जाएगा तो प्लस 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बाय 2 मतलब 5, दोनों में x का वैल्यू 5 आ गया, तो x मेरा कितना आ गया 5 आ गया, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 14 का ही 5 देख लो। ये मार्टर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बाहर भी नहीं है। 14.5 3 का पावर, उसमें एक डाल देता थोड़ा सा, देखो 3 का पावर ना इसमें लगाते हैं, 3 का पावर x, ठीक है, बोल रहा है 3 का पावर, सॉरी 3 का पावर 3x, 3 का पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2x डिवाइड बाय 3 का पावर x इज इक्वल टू 4 रूट 3 का पावर 20, यह है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सब 3 3 है, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई वाला को जोड़ते हैं, डिवाइड वाला को माइनस करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 का पावर 3x प्लस 2x, जो मल्टीप्लाई है उसको जोड़ दिया पावर को, अब ये डिवाइड है तो इसको माइनस x कर देंगे, डिवाइड वाला क्या करेंगे माइनस x, और इसको पावर अंडर रूट 4 है ना, तो जितना है उसका 1 बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 3 का पावर 20 का पावर 1 बाई 4, ये 4 1 4 4 5 है 20 कट जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या आ गया 3 का पावर 3x प्लस 2x 5x, 5x में हम x माइनस कर देंगे तो 4x, तो 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 3 का पावर 5, इसका मतलब कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग द पावर वी गेट 4x इज इक्वल टू 5, तो x मेरा कितना हो जाएगा 5 बाय 4 आंसर, ठीक है? तो एक क्वेश्चन था आज जो तुम लोग पूछे थे, ठीक है, तो वो फुली सबका क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो फिर से पूछ लोगे, और बाकी जो लोग होमवर्क नहीं किए हो जल्दी से करो, ठीक है, होमवर्क दिया जाता है मतलब करना है ना, चलो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, ठीक है।